वफा की सच्ची निशानियां न भुला सका कभी जहां, न मिटा सका कभी आसमां। दोबारा आपको यहाँ देखकर बेइंतहा खुशी हुई। हम तो समझे थे कि आप बंगाली हसीनाओं के जुल्फों के जाल से निकल ही नहीं पाएंगे। अदम खान को घनेरी जुल्फों के साए में घड़ी दो घड़ी दम लेने का शौक जरूर है, मगर जुल्फों को अपने पैरों की जंजीर बनाने का खप नहीं है। तुम सुनाओ, मालवा की क्या खबरें हैं? मालवा की जमीन पर बगावत के बीज तो मैंने पहले ही बो दिए थे। तब तो फसल खड़ी हो चुकी होगी, कहो तो कटाई शुरू कर दी जाए। फसल अभी पूरी तरह पकी नहीं है। क्या मतलब? गद्दारों ने शमशेर खान के साथ हाथ तो मिला लिया है, मगर फिलहाल उसके सर पर सुल्तान बनने का भूत सवार है। तब तो बाज बहादुर के बाद शमशेर खान खतरनाक साबित हो सकता है। नहीं हो सकता है। सुल्तान बनने का भूत मैंने ही उसके सर पर सवार किया था, और मैं ही उस भूत को उतारूंगा भी। ये काम फौरन होना चाहिए। शमशेर खान को जल्द से जल्द काबू में करके हमारे पास लाया जाए। आप बेफिक्र रहिए, शमशेर खान की लगाम मेरे हाथों में है। और सुल्तान बाज बहादुर की फौजी तैयारियों की क्या खबरें हैं? वो क्या करेगा फौजी तैयारियां, उसे तो नाच गाने से ही फुर्सत नहीं है। रात दिन मांडू के शाही महल के कोने कोने से घुंघरों की झनक और चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। अपने चेहरे से पर्दा हटाऊंगी हटाऊंगी, आज नाचूंगी मैं, आज नाचूंगी, आज नाचूंगी मैं, आज नाचूंगी। लब पे कोई शिकायत न लाऊंगी न लाऊंगी।
हम हैं जहां, दुश्मनों की मौत है वहां। मेरे हर मुल्ला पीर मोहम्मद जी, हम बाज बहादुर के खिलाफ जंग को हर हाल में जीतना चाहते हैं, इसलिए नए फौजी साजो सामान की जरूरत है। हिंदुस्तान के बेहतरीन कारीगरों को असलाह की तैयारी का हुक्म दिया जा चुका है। इतना ही काफी नहीं, बाहर से भी असलाह मंगवाए जाए। तुर्किस्तान से 50,000 मुरस्सा तलवारें दरामद की जाए। जो हुक्म। सरदार हमीदुल्ला बेग जी, फौजियों की तादाद दुगनी कर दो। जी सालारे आजम। उमराव सिंह हारा। हुक्म सालारे आजम। जाबाज, पठानों का सर काटने के लिए बहादुर राजपूतों को फौज में शामिल किया जाए, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। जो हुक्म। मीर अस्तबल सरदार खान। जी हुजूर। 50,000 खालिस अरबी नस्ल के घोड़े शाही अस्तबल में शामिल किए जाए। जो हुक्म। दारोगा तोपखाना रंदाला खान, तोपों के लिए चीन के बाजारों से सारी बारूद खरीद लो। जो हो। हम मालवा के साथ बाज बहादुर के गुरूर को तहस नहस कर देंगे। सालारे आजम, एक छोटे से दुश्मन के लिए इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल क्यों? दुश्मन चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हकीर नहीं समझना चाहिए। शेर जब अपने छोटे से छोटे शिकार पर भी झपटता है तो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। हम है जहां, दुश्मनों की मौत है वहां। खूबसूरत समा दिल नशी रात है, इश्क के हाथ में हुस्न का हाथ है, हर तरफ है मोहब्बत की रंगीनियां, हर तरफ है मोहब्बत की रंगीनियां,
आफरीन आफरीन वल्लाह जी खुश हो गया। गीत और संगीत के इस खूबसूरत मिलन को देखकर यूं लग रहा था जैसे हिमालय की बुलंदियों से गंगा जमुना छमछमाती हुई बही जा रही हैं, और जी चाहता था कि सुरताल की ये नदियां कयामत तक यूं ही बहती रहें, बहती ही जाएं। सुल्तान मुअज्जम सिर्फ तारीफ नहीं, इनाम की भी हकदार है शलाका। मुस्ताखे मुआफ रानी साहिबा, हार नहीं, लफ्ज़े हार से नफरत है मुझे। मैं जिंदगी में सिर्फ जीतना चाहती हूं। इनाम में अगर कुछ देना ही चाहती हैं तो हार की जगह अपने माथे का ये झूमर दे दीजिए जो आपकी चमकती हुई तकदीर से छू रहा है। मैं इस झूमर को अपने माथे से लगाकर अपने मुकद्दर को भी चमकाना चाहती हूं। हाथों को मलने से हाथों की लकीरें मिटा नहीं करती, ना कोई झूमर किसी की तकदीर बदल सकता है। तुमने देखा रूपमती, शलाका के रक्स में भड़कते हुए शोलों का अंदाज आ गया है। सुल्तान का ख्याल बिल्कुल सही है, शलाका के दिल में वाकई शोले भड़क रहे हैं, लेकिन आप इस आग की असलियत को नहीं जान सकते। इस आग का नाम सौतिया डाह है। सौतिया डाह? हाँ सुल्तान, मैंने शलाका की आंखों में सुल्तान के लिए मोहब्बत देखी है। आपके पहलू में मुझे देखकर शलाका का तन बदन जल उठता है। तभी शलाका के अंदाज में तुम्हारे लिए गुस्ताखी झलकती है और हम इस बात को समझ ही नहीं पाए। और आप समझ भी नहीं सकते, इसलिए कि आप औरत नहीं हैं। एक औरत ही औरत के जज्बात को फौरन भांप सकती है। लेकिन शलाका के दिल में हमारे लिए जो जज्बा है उससे तुम्हें डर नहीं लगता? डर कैसे सुल्तान, रूपमती को अपने प्यार और अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। ना कोई मुझसे मेरा प्यार छीन सकता है और ना ही मेरी किस्मत। हाथों को मलने से हाथों की लकीरें मिटा नहीं करती, और ना कोई झूमर किसी की तकदीर बदल सकता है। क्या हुआ जाने मन? तुम बहुत खराब हो। अच्छा, और नहीं तो क्या, तोहफे की कीमत फौरन वसूल करने लगते हो। तो इसमें बुरा क्या है, हमारा सौदा तो एकदम खरा है। इस हाथ दे उस हाथ ले। मालवा के सरदारों की वफादारियां अब पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में बंद है। मेरे हाथ पर हाथ रखकर
उन्होंने मुझसे वफादारी की कस्में खाई हैं। कस्में खाने और कस्में निभाने में बड़ा फर्क होता है सरदार शमशेर खान। नादिर शाह अफगानी सरदार कस्में निभाएंगे और उनकी मदद से मैं सुल्तान बाज बहादुर का तख्त उलटने में जरूर कामयाब हो जाऊंगा, मुझे पूरा यकीन है। बेवफाओं की वफादारियों पर ज्यादा देर तक एतबार नहीं किया जा सकता सरदार शमशेर खान। बेवफा आखिर बेवफा होता है। तुम किसकी बेवफाई का जिक्र कर रहे हो? कौन है वो बेवफा बताओ नादिर शाह, कौन है वो गद्दार? बताते क्यों नहीं, कौन है वो बेवफा? हर वो शख्स जिसे आप वफादार समझ रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं सरदार शमशेर खान, मैं ठीक कह रहा हूं। क्या कल तक इन्हीं लोगों ने सुल्तान बाज बहादुर का नमक नहीं खाया था? कल तक वो सुल्तान के वफादार थे और आज आपके वफादार बन बैठे हैं। क्या आपसे वफादारी और सुल्तान से बेवफाई नहीं है? मालवा के सरदारों की ये बदलती वफादारियां जब अपना असली रंग दिखाएंगी तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त मुझे डर है कि कहीं आप तख्त की आरजू में फांसी के तख्ते तक ना पहुंच जाएं। नहीं नादिर शाह, हमें खामखा खौफ खाने की जरूरत नहीं है। आखिर हर सरदार बेवफा कैसे हो सकता है? साहब अगर केचली बदल भी ले तो उसकी फितरत नहीं बदलती है, वो फिर भी डसता है। वो आखिर हम इन सरदारों पर एतबार ना करें तो फिर क्या करें? बेतबारों पर एतबार करना हमारी मजबूरी है सरदार शमशेर खान, हमारी मजबूरी है। मगर सियासत का तकाजा ये कहता है कि इससे पहले की वफाएं बेवफाइयों में बदल जाएं, उनकी कीमत वसूल कर लो। खुदा रा नादिर शाह, इतनी पहेलियों में बात ना करो जिनको सुलझाते सुलझाते मेरा दिमाग चकरा जाए। साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाहते हो। शहंशाह अकबर का सिपह सालार आदम खान मालवा की फौजों में गद्दारों को तलाश कर रहा है। हम अगर चाहें तो उन पठान सरदारों की नाकाबिले एतबार वफादारियां मुगलों को मुंह मांगे दामों फरोख्त कर सकते हैं। वफादारियां फरोख्त कर दूं? नहीं नादिर शाह, मुझे सिर्फ दौलत नहीं हुकूमत भी चाहिए, हुकूमत भी। मालवा का बादशाह बनना चाहता हूं मैं, बादशाह। बादशाह? बादशाह सरदार शमशेर खान एक बिल में दो सांप रह सकते हैं लेकिन एक मुल्क में दो बादशाह कभी नहीं रह सकते। शहंशाह अकबर आपको मालवा का हाकिम तो बना सकते हैं मगर अपने मुकाबले किसी दूसरे को बादशाह बनते कभी नहीं देख सकते। कौन है वहां? अंदर आ जाओ। मैं देखता हूं। कौन है? मैं देखता हूं। नादिर शाह, मैं जानता हूं हमारी बातें कौन सुन रहा था। जो भी था, सुबह सुल्तान के पास पहुंचने से पहले उसकी जबान हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देनी चाहिए। चलो।
न जाने पाए। रूपमती को तो इसकी लाश मिलेगी। ये वफा की सच्ची निशान